हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सही जगह फेंकना और संभाल के देना, कोई देखे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। जल्दी दो। कौन है बेटा? कोई नहीं माँ, कचरा वाली थी। अरे कौन है? कचरा! अरे आ रही हूँ, क्या बेल खराब कर देगी? तू कौन है? मैडम मैं ना नई सफाई वाली है। वो क्या है ना, सविता गांव गई है तो उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पे। ये सेक्रेटरी भी ना इन्फॉर्म ही नहीं करता है और किसी को भी रख देता है काम पे। क्या मैडम, सुबह सुबह चिलम चिली करने का? लाओ, वैसे भी मेरे को 10 और घरों में जाना है, लाओ जल्दी। तेवर तो देखो, जैसे ऑफिस ही जाना है तुझे, चल जा, नहीं देते डब्बा। हाँ हाँ, तो मत दे, वैसे भी तेरे कचरे से कितनी बदबू आ रही है। अच्छा, परफ्यूम मार के दूँ कचरा तुझे? अरे तो मैं मरी नहीं चाह रही हूँ लेने के लिए। बात तो ऐसे करी है जैसे लगता है कचरा नहीं सोना मांग लिया हो। एक मिनट, कहीं आप कहीं झगड़ालू औरत तो नहीं जो घड़ी घड़ी सबसे झगड़ा करते फिरते रहती है? हाँ, अरे बहुत किसे सुने हैं आपके बारे में। हाँ ए लड़की, मुझसे सवाल चला रही है तू? औकात क्या है तेरी? क्या हुआ, सुबह सुबह ये चिलम चिल्ली क्या चल रही है? देखो ना मैडम, मैं ना नई सफाई वाली कचरा लेने के लिए आई थी, वो सविता ना गांव गई है, उसकी जगह मेरे को रखा है यहाँ पर। मैडम से कचरा क्या मांग लिया? ऐसा लग रहा है किसका कचरा बेच करके कोई सोने का महल बना लेगी मैं। बाबा रे बाबा, कितना झगड़ा करती है ये। ओ, तो इसमें कौन सी नई बात है, सबके साथ झगड़ा करना इनकी पुरानी आदत है। आ गई होशियारी झाड़ने। ए सुन, हमारे पति में काम बताना, माइंड योर ओन बिजनेस। चल, देख रही हो ना कैसे झगड़ा कर रही है ये। वाह वाह, बड़ी आई, माइंड योर ओन बिजनेस। पहले अपने माइंड का इलाज करा, सबके नाक में दम करके रखा है अपने रोज के झगड़ों की वजह से। भाभी जी प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप अंदर जाइए। शोभा अंदर जाओ। जाओ। खाली लड़ते रहती है, पता नहीं कैसी औरत है। आपको बीच में आने के लिए किसने बोला? हाँ, अगर आप बीच में नहीं आते थे ना तो उस रत्ना की बच्ची को देख लेती थी मैं। मुझे अंदर ले आए सो आए, आपने सॉरी बोला उसे? सॉरी बोला? अरे किससे पूछ के सॉरी बोला? हमेशा से गलत काम करते हो, हमेशा से गलत काम करते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, सब हमारी गलती है, हमारी गलती है सब। लोग हमसे बात नहीं करते, लोग हमें देख करके दूर भाग जाते हैं, कोई हमें अपने घर में नहीं बुलाते, सब हमारी गलती है। शोभा प्लीज, देखो शोभा, इस तरह से बात बात में लोगों के साथ झगड़ा करना बंद कर दो। देखो शोभा, तुम जानती हो इस वजह से लोग हमारे घर को कितने बदनाम कर चुके हैं, यहाँ तक कि सोसाइटी वाले पुलिस की धमकी दे चुके। अरे वो क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगे, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और एक एक को ठीक से देख लूंगी। और आप उनकी साइड ले रहे हो, उनकी? आपको अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है क्या? हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, झगड़ालू हूँ मैं, मैंने सबकी नींद हराम करके रखी है। और ये बिल्डिंग वाले, ये तो संत महात्मा है ना। बहू, वो लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन लोगों से बात करने का एक अलग ही तरीका होता है। आइए आइए पधारिए। अरे मैं तो वो ही सोच रही थी कि अब तक आप कैसे नहीं पधारी अपने लाडले की तरफदारी करने के लिए। देखिए माँ जी, एक तो वैसे भी इन्होंने आपको मेरे मत्थे मड़ा है, वो भी मुझसे पूछे बिना। मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो घर में। शोभा, माँ से इस तरह से बात नहीं किया करते। तो आप कहो ना अपनी माँ से कि मुझसे बात ही ना करे। अरे पूरा दिन इनकी सेवा करती रहती हूँ, फिर भी ये सब सुनना पड़ता है।
बस मॉम बस, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया है। और अब दादी और डैड से कैसे बात कर रहे हो? क्या ये घर दादी का नहीं है? चुप कर बदतमीज लड़की, बड़ों के बीच में बात करने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई करो। पर तुम कहाँ पढ़ाई करती हो, पूरा दिन इस मोबाइल और लैपटॉप में घुसी रहती हो। ये किसकी फोटो है? कौन है ये लड़का? तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मॉम, जैसे अभी आपने बताया ना कि मैं आपके मामले में इंटरफेयर ना करूं, वैसे आप मेरे मामले भी में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। बदतमीज लड़की, मुझसे जबान लड़ा रही है तू? बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है तुझे? अगर मुझसे जबान लड़ाई ना तो याद रखना। हाँ, क्या कर लोगे अब? क्या कर लोगे? जैसे भैया को इस घर से निकाल दिया, वैसे मुझे भी निकाल दोगे? शोभा, बस बात हो गया। ऐसे किसी जवान लड़की से वर्ताव नहीं किया जाता। माँ, तुम्हें मंदिर जाने में देर हो रहा है ना? चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ। काव्या, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। चलो जल्दी चलो। तुझे तो मैं देख ही लूंगी, बहुत बदतमीज होने लगी है आजकल। आने तो इस बुढ़िया को मंदिर से, दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। देखती हूँ अंदर कैसे आती है। शोभा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? शोभा, क्या हुआ जी? आपने शोभा को कहीं जाते हुए देखा है क्या? क्या हुआ माजी? रचना, तूने शोभा को कहीं देखा है क्या? माजी, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं है कि मैं उनको देखूं। पता नहीं उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। पर हुआ क्या? शोभा दरवाजा नहीं खोल रही है। अब सर आप जाके सेक्रेटरी को बुला के लाइए ना प्लीज। अभी बुलाता हूँ। शायद वो बाथरूम में नहा रही हो। इतनी देर से नहा रही है? शायद अपना पाप धो रही होगी। माजी, आपके पास घर की दूसरी चाबी होगी ना? नहीं। एक मिनट माजी, मैं आपके बेटे मनीष को फोन करता हूँ। अटी अटी माँ, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर से कैसे बंद है? सर, घाव काफी गहरा है, लगता है किसी भारी चीज से वार किया गया। सर, हो सकता है कोई एक्सीडेंट, इनका पैर फिसला और किसी चीज से टकरा के गिर गई। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है। एक काम करो, घर में जितना सारा फर्नीचर है चेक करो, उसके कॉर्नर चेक करो फर्नीचर के, और फिर देखो कहीं पर नुकीली चीज है क्या, शायद उससे टकराई हो। सर, हाँ निखिल। सर, सर टूटा हुआ बांस, और सर इस पे खून भी लगा हुआ है। हाँ, लगता है खूनी ने ये बाज बेचारे शोभा के सिर के पीछे मारा है इससे जोर से, और फिर शायद शोभा अपनी जान बचाते बचाते यहाँ से बाहर गई, गिर गई और फिर दम तोड़ दिया होगा। लेकिन सर दरवाजा तो अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी, तो फिर खूनी घर से बाहर गया कैसे होगा? सर, हो सकता है बालकनी से चला गया। नहीं, इतनी ऊंचाई से कोई बाहर जा ही नहीं सकता। सर, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। बस, तो फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज और लॉबी के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज सब देखते थे। मनीष जी, आज सुबह आप, आपकी माँ और बेटी काव्या जब घर से बाहर गई, तब शोभा जिंदा थी है ना? जी सर। मतलब शोभा जी का कत्ल हुआ सुबह 10:30 के बाद में ही। पर काव्या, तुम 11 बजे कॉलेज से वापस क्यों आ गई थी?
देखो चुप रहने का कोई फायदा नहीं, हमने लॉबी के सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है, तुम ठीक 11 बजे बिल्डिंग में अंदर आई थी। कब? तुम कॉलेज नहीं गई? वो मेरा फ्रेंड अश्मित हमारी विंग में रहता है, मैं उसी से मिलने वापस आई थी। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई उसी वक्त जिस वक्त अपनी माँ का कत्ल हुआ। तुम कौन हो? मैं रितेश। रितेश आपका बेटा? जी सर। पर तुम तो घर छोड़कर चले गए थे। जी वो मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मुझे इनकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था। मतलब तुम्हारी माँ ने? यही आदर रखते हो अपनी माँ के लिए? यही संस्कार दिया? जब तुम यहाँ रहते नहीं थे तो किस लिए आए थे यहाँ पर? जी वो मैं किशोर से मिलने आया था। सर अगर आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं अपने डॉग को बाहर घुमाने लेके गया था। क्या बात है किशोर, जब ये रितेश तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने आया तो तुम अपने घर से बाहर कुत्ता घुमाने निकल गए? सर वो हमेशा आता जाता रहता है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है शिवाजी का कत्ल हुआ है, समझे? चलो तुम सबकी बातें मान ली, बच्चे बिल्डिंग में आए अपने दोस्तों से मिलने मगर घर नहीं गए, बिल्डिंग के अंदर बाहर लोग आते जाते रहे पर शोभा जी के घर के बाहर कोई नहीं आया। काश अगर कोई भी एक भी शोभा जी से मिलने जाता तो शायद आज बेचारी मासूम शोभा बच जाती। सर वो कोई बिचारी बिचारी औरत नहीं थी, जैसी औरत थी उसके साथ वैसा ही हुआ। क्या मतलब? माफ कीजिएगा मनीष भाई, सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। सर शोभा जी का सोसाइटी में किसी के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था, आए दिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती थी। इवन सर आज भी उनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था किसके साथ? इनसे, रचना जी से। ओ सर मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने तो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारा सर। इसी भी सर, इन सोसाइटी के सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो शोभा को इस तरह से मार सके। और शोभा जी का खून तो हुआ है ना, किसी ने तो किया है। अरे तारिका ये क्या कर रही हो, ऐसे क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने? करने दीजिए ना सर, कुछ भला करने जा रही है तो उसे टोकना ठीक नहीं है, है ना सर? अरे नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, जिस दिन मैं वहां पर लाशों की जगह लेटा हुआ होऊंगा ना, तुम लोग सबको मिठाई बांटने वाले हो, जानता हूँ मैं तुम्हारे सारे इरादों के गुब्बारों को उड़ने से पहले ही फोड़ करके दम लूंगा, समझे? हमारी वजह से आप बच गए सालू के साहब, वरना तारिका ने तो आपका सर फोड़ ही दिया था। अरे मैं तो सिर्फ इनायत कर रही थी। अच्छा सालू के साहब का सर फोड़ने का? जी नहीं, इस औरत के सर पे किस चीज से बहुत जोर से मारा गया है जिससे इसकी मौत हो गई, ये पता लगाने के लिए। देख सालू के, किस चीज से मारा ये तो हमें पता है, यही मर्डर वेपन है। हाँ इस पे तो हमें इनका खून भी मिला था जो उस वक्त तक सूखा भी नहीं था। ये लो, बहुत बढ़िया। हाँ जो भी वहां पर मिला उस पर भरोसा करके आगे सीधे आना, कमाल है, बिना अपना दिमाग लड़ाया। तारीखा कई बार मैं सोचता हूँ अगर हम नहीं होते तो इन लोगों का बेचारों का होता क्या है। ये बात हमें क्राइम सीन पर मिला है, अगर इससे नहीं मारा गया तो फिर इस पर खून कहां से आ गया, क्या अपने आप छल के आ गया है? ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं जरूर जानता हूँ कि ये मर्डर वेपन नहीं। डॉक्टर साहब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ अब आए पॉइंट पर, तो सुनो, इस औरत की मौत हुई है खोपड़ी की हड्डी टूट जाने की वजह से, पर हड्डी टूटी नहीं चकनाचूर हो गई, और ऐसा तभी हो सकता है जब जबरदस्त तरीके से इस पर वार किया गया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट की जरूरत होती है। और इस वार से कितनी भी जोर से क्यों ना मारा गया, हड्डी इस तरह से चकनाचूर नहीं हो सकती। अगर इनका खून इस वार से नहीं हुआ है तो फिर किस चीज से हुआ? बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया है। बहुत भारी चीज से? तो मेरे सारुंखे
हमें वहां क्राइम सीन पर। इसके अलावा और कोई भारी चीज नहीं मिली, समझे? दया, इसके पास और कोई जवाब नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। एक मिनट, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ, मैं डॉक्टर सालू के तुम लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है? हाँ, ठीक है, तो मैं खुद वहाँ क्राइम स्पॉट पे जा करके ये थ्योरी प्रूव करके दिखाऊंगा बॉस, तब पता लगेगा कौन टाइम बर्बाद कर रहा है, मैं या तुम खुद अपना टाइम बर्बाद करो। तारिका मेरे बैग। अरे बैग दो ना तुम यार, मैं बताता हूँ इन्हें कौन टाइम बर्बाद कर रहा है। पास क्विक सब। अभी बता, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सालू के साथ तो कोयले के इंजन की तरह धुआं उड़ाते हुए चले गए, गुस्सा हो गए क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से। अब आएगा मजा। सब कुछ ढूंढ लिया, आप क्या ढूंढेंगे? अपना सर ढूंढो। कहा था ना यार तुमसे, कोई भारी चीज से मारा गया तो भारी चीज ढूंढो ना प्लीज। क्या लगता है इससे मारा हो? सर, सर क्या इससे मारा होगा? नहीं, इससे नहीं हो सकता। सर ये देखिए सर, काफी भारी है सर, इससे मारा होगा। सर पे मार के देखो, अगर सर खुल जाएगा तो मान लो। आपके सर पे कैसे मार? शट अप यार, सालू की क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है हमारा तू? बस प्लीज मुझे ढूंढने दो। मैं एक काम करो, आप लोग बैठो, मैं जरा ढूंढता हूँ। प्लीज दुनिया में सर्दी फैलाएगा। अरे यार क्या हो गया? सर क्या हुआ, आप इतना ठीक क्यों रहे? मसाला मसाला मसाला। हाँ सर, चारों तरफ मसाला गिरा हुआ है और यहाँ पे निशान भी है। लगता है मसाला कूटने का खलबट्टा रखा था यहाँ पे। सर बट्टा तो काफी भारी भी होता है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं, सारे के सारे घर चेक करो। दादी माँ को लेकर आओ। आप लोग, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन खून तो वहां हुआ है, आपको यहाँ क्या मिलेगा? देखिए आपकी बिल्डिंग में खून हुआ है, क्या आप चाहती हैं कि एक और खून हो जाए? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ओके, आइए। शोभा भी ना मरने के बाद भी मेरी पीछा नहीं छोड़ेगी। सर ये देखिए। सर ये तो हमारी है। नहीं नहीं, ये तो हमारा है। आंटी जी को कोई गलत फहमी हो रहा है। सर इसके नीचे शोभा का नाम लिखा हुआ है। शोभा, तो क्या आपने इन्हें ये दिया था? नहीं सर, आज सुबह तक तो ये हमारे पास ही था। तो फिर ये यहाँ कैसे? जो चेक कर लिया। वो क्या है ना सर, मैंने गुल्लू के पापा को छोले खिलाने का वादा किया था। शोभा जी तो मर ही गई थी, वो इससे क्या करती, इसलिए मैं ये लेके चली आई। मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया। बस इन पर तो कहीं भी खून के ट्रेसेस नहीं। खून का निशान नहीं, मतलब ये मर्डर वेपन नहीं है। मुझे लगता है शोभा ही हमें बताएगी कि उसका खून कैसे हुआ है और किसने किया।
आसान के बोल। अच्छा गेरू मिट्टी, अच्छा ठीक है। सचिन मर्डर वेपन का पता चल गया है। पर वो क्या है सर? गमला। गमला? हाँ गमला। साळुंखे को शोभा के कान में गेरू मिट्टी के कुछ अंश मिले, गेरू मिट्टी जो गमले में इस्तेमाल होती है। सर हमें शोभा के घर में एक भी फ्लावर पॉट नहीं मिला। देखते हैं। यहीं पर गिरा है। पर सर गमला गया कहाँ? हो सकता है किसी ने साफ कर दिया हो ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन मौत हुई है इस गमले की वजह से ही। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में तो हमने किसी को कमरे के अंदर जाते देखा नहीं, तो फिर शोभा जी के सर पे गमला मारा किसने होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सचिन की गमला मारा किसने और फिर इतने जोर से मारा है कि किसी इंसान की जानी चली जाए। हाँ सर सवाल ये भी है कि बंद कमरे से खूनी बाहर गया कैसे? जमीन चीर के है या आसमान फाड़ के? जमीन चीर के तो नहीं निकल, जमीन चीर के नहीं आया होगा तो आसमान फाड़ के ही। एक दो तीन चार पांच छः सात, सातवें मंजिल पर शोभा जी रहती है, वो रही उसकी बालकनी और बिल्कुल उसी के ऊपर है आठवें मंजिल की बालकनी। चलो चलकर देखते हैं। सर आश्रया सर ये देखिए स्टैंड जैसा कुछ है। स्टैंड जैसा तो है। गमले का ही स्टैंड है, गमला इसी स्टैंड पर था। ये देखो यहां से गमला यूं धक्का मार के नीचे फेंका गया। ये फ्लैट किसका है? सर किसी एनआरआई का है और बिल्डिंग का सेक्रेटरी होने के नाते इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है सर। क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर कोई आया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जबकि इस फ्लैट की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास ही है तो इस फ्लैट में भी सिर्फ तुम ही आए होंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरे कहने का मतलब है कि फ्लैट की चाबी उन्होंने मुझे दी थी। क्या है सर कि सारे एम्प्टी फ्लैट की चाबी ऑफिस के ड्रॉअर में होती है, एजेंट लोग सर कभी भी आते जाते रहते हैं तो सर मैं 24 घंटे उनके लिए घर पे थोड़ी ना रहूंगा सर। ये खाली फ्लैट की चाबियाँ ऑफिस में रहती है ये बात सबको पता है? हाँ हमारे सारे रेजिडेंट्स और सारे कमिटी मेंबर्स को ये बात पता है, हमारे अलावा कोई भी कभी भी ऑफिस जाकर चाबी ले सकता है। वाह देखा कितने अच्छे सेक्रेटरी है ये सोसाइटी के, जबकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फ्लैट के अंदर कोई भी घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो एक खून हुआ है खून, समझे? और ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सर खून तो शोभा जी के फ्लैट में हुआ है सर, इससे इस फ्लैट का क्या कनेक्शन हो सकता है सर? जाइए आप, जाइए नीचे और सबको इकट्ठा कीजिए, सारे रेसिडेंट्स को कंपाउंड में जाइए जल्दी। जी सचिन ये देखो हम हैं आठवें मंजिल के बालकनी पर और शोभा जी रहती थी सातवें मंजिल पे। जब शोभा जी वहां अपनी बालकनी से बाहर झुकी होगी किसी काम की वजह से तब आठवें मंजिल के मतलब यहां से वो गमला शोभा जी के सिर पर मारा गया था करके ऐसे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आज तो मसाला कूटने के चक्कर में मेरी कुटाई हो जाती उन सीआईडी वालों के हाथों। इसीलिए छोले को मारो गोली, ये लौकी ही खिला दूंगी गुल्लू के पापा को। ओह गॉड,
ये क्या किया? आज तो शायद लॉ के भी नसीब में नहीं है। Excuse me, हाँ? गलती आपकी है। एक तो आप मेरे बीचों बीच आ गई, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। तुमको तो मैंने कहीं देखा है। देखिए, आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। रुक रुक, तुम वही सफाई करने वाली हो ना? अरे छोड़ छोड़ मेरे हाथ। तेरी वजह से वो शोभा मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई थी। कौन शोभा? कैसा राशन पानी? मैं कुछ भी नहीं चाहती। अरे स्क्वीज तो तेरी आज मैं करूंगी। तेरे जाने के बाद ही शोभा का कत्ल हुआ था। क्या? चल मेरे साथ सीआईडी के पास चल। चल। हमें उस चीज का पता चल गया है जिससे शोभा जी का खून हुआ है। एसीपी साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सी चीज है जिससे मेरी पत्नी का खून हुआ? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट? जी हाँ, फ्लावर पॉट। बिल्डिंग के 8वें मंजिल पर जो फ्लैट बंद पड़ा है उसके बालकनी के ऊपर रखा गया था ये फ्लावर पॉट, और ऊपर से शोभा जी के सिर पर मारा गया। फ्लावर पॉट। किसने किया ये सर? मुझे नाम बताइए जिसने मेरे परिवार को हमसे छीन लिया। बताइए एसीपी साहब, कौन है वो? ये तो कहना पड़ेगा कि बड़ा चाला खूनी है ये। बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, लेकिन भूल गया कि कोई भी कातिल कितना भी चाहे चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। जानना चाहते हो कौन है वो खूनी? आप में से ही कोई है। आप में से। ये सफाई करने वाली है। आज सुबह जब शोभा का खून हुआ था उससे पहले मैंने इसको बात करते हुए देखा था। अभी भेष बदल कर भाग गई थी। देखे, मुझे नहीं पता कि ये औरत कब से क्या बकवास किए जा रही है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरा हाथ छोड़ो ना। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इससे झगड़ा करते हुए देखा था। मुझे तो लगता है यही खूनी है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हम पता लगा लेंगे। देखिए इस लड़की को, बताइए क्या आप में से किसी ने इसको देखा है आज सुबह? हाँ सर, मैंने देखा इस लड़की को। सर ये वही लड़की है जो आज सुबह में शोभा जी के साथ लड़ रही थी। रुक, कहाँ भाग रही है? ये सब रोना धोना बंद करो और बताओ कौन कौन है इसके पीछे। तुम्हारे अकेली का काम नहीं है ये, बताओ जल्दी। कौन कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ इस काम में? हैं? क्यों खून किया शोभा का? खून? नहीं नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। जमाना बड़ा बदल गया सर। इतनी महंगी घड़ी और ब्रांडेड चप्पलें पहन के घूम रही है। यहाँ तो सीआईडी में ईमानदारी से काम करने के बाद पिछले 5 साल में ये वाले जूते पहन पाया हूँ मैं। हाँ, सच कह रहे हो फ्रेडी, लेकिन ये है ना मुखौटा पहनी है सफाई कामगार का, है तो कोई और ही। पूर्वी, ऐसे नहीं बताइए। हाँ बोल। नहीं प्लीज, प्लीज मैम, मुझे मत मारिए। मैं बताती हूँ, मैं सब सच बताती हूँ। दरअसल मेरे पास एक फोन कॉल आया था। कौन लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग शोभा से बदला लेना चाहते थे। बदला कैसे लेना है वो सारे इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर बता दिए गए थे। मैंने बस उसे फॉलो किया था और कुछ नहीं किया था, खून नहीं किया था सर। एक अनजान आदमी ने तुम्हें फोन कॉल किया और तुम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई? हाँ सर। ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी शोभा से? सर शोभा अच्छी औरत नहीं थी, वो बहुत ही घमंडी और झगड़ारू किस्म की औरत थी। समय एक स्टोर में सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। मेरे स्टोर में आई वो एक दिन, नेल पेंट दिखाने के लिए कहा। नेल पेंट का ढक्कन जब मैं खोल रही थी तो सर गलती से वो नेल पेंट की कुछ बूंदें उसके साड़ी के पल्लू पे गिर गई थी सर। उसके बाद उसने जो हंगामा खड़ा किया, मैंने उस
से माफी मांगी, मैंने थी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। मैनेजर के पास चली गई सर, फिर मैनेजर ने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। 2 महीने तक मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली, घर का किराया तो दूर, खाने तक को मेरे पास पैसे नहीं थे। मकान मालिक मेरे सर पर चढ़ करके मुझे परेशान करने लगा, कहा कि निकलो मेरे घर से। सर, उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। फिर मैंने ठान लिया था कि उस शोभा से मैं बदला जरूर लूंगी। इसलिए तुमने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है? सर, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये लो, सब कुछ मान लिया तो माफी मिल गई, ऐसे लगता है तुम्हें? तुम्हारी सजा हम कम कर सकते हैं, मगर एक शर्त पर। हाँ सर, मुझे आप लोगों की सारी शर्त मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ये बताओ कि फोन पे एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे तुम्हें? मुझे बस वो फ्लावर पॉट गिरने के बाद उसे साफ करने के लिए कहा गया था। वो फ्लावर पॉट जैसे बालकनी से शोभा के सर से टकरा कर नीचे गिरा, तो मेरे पास उसे झट से साफ करके वहां से मैं निकल गई। बस यही किया था मैंने। वो फ्लावर पॉट किसने फेंका था? फ्लावर पॉट नहीं, किसी ने फेंका नहीं था। किसी ने नहीं फेंका, ये कैसे हो सकता है? कोई तो ऊपर था फेंकने वाला। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, वहां पर कोई नहीं था, वो फ्लावर पॉट अपने आप गिरा था। कौन था ऊपर? यकीन कीजिए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आप लोगों से। निखिल, पता लगा किसका फोन आया था शीला को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए? सर, अध्याय सर, टूटे हुए फ्लावर पॉट के टुकड़े अच्छी तरह से देखो। सीआईडी पे इतने साल काम करके यही इज्जत मिली? क्या हुआ फंबे सर, कोई इज्जत चाहिए आपको? नहीं, नहीं। सर, इस पे सिर्फ सड़ा हुआ कचरा है सर, और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे थोड़ी देर और खड़ा रहना तो मैं बदबू के मारे शहीद हो जाऊंगा सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, काम पे ध्यान दो। ए, 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 ये क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं किसी और को कब्जा जमाने नहीं दूंगी। अरे कौन कब्जा करना चाहता है? मेरा बच्चा है तो मैं खुद यहाँ से सलट लूँ। तो फिर मेरे इलाके में कचरा चुनकर ये मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? अरे मेरी माँ, आपके पेट पे कोई लात नहीं मार रहा है, मैं खुद यहाँ पे अपनी नौकरी बचा रहा हूँ। देखो तुम लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं किसी और को कचरा चुनने नहीं दूंगी। जाओ जाओ। hey, हम लोग CID से और इस कचरे में सुराग ढूंढ रहे हैं। CID? hey, रुक रुक, देखो जरा। चलो सर, सर पे पैर रख के भाग गई सर, आपको थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, आपको देख के डर के भाग गई सर। वो टाइम नहीं ना, वो कचरा। सर ये देखिए, ये कुछ गमले के टुकड़े मिले हैं। सर खून लगा हुआ है। हाँ दया, लगता है ये वही फ्लावर पॉट है जिससे खून हुआ है। अब ये खून शोभा का है या नहीं, ये तो फोरेंसिक लैब से ही पता चल जाएगा। लेकिन और भी तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और कुछ होना चाहिए। देखो जरा अच्छी तरह से, देखो दोबारा। सर बाकी तो हमने हर जगह देख लिया सर, और ऐसा कुछ मिला नहीं जो। देखो तो सही। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। कुछ नहीं किया तो हमें लेके भागी क्यों? वो साहब बिरजू कह रहा था कि जब भी पुलिस वाले देखो ना तो अपनी जान बचाओ और भागो, पता नहीं फिर कब मुसीबत में फंस जाए। एक मिनट, देखो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे तुम, इतना बताओ।
क्या सुबह तुमने यहाँ से कुछ कचरा उठाया था? घबराओ मत, उठाया था कचरा? हाँ, उठाया तो था, इस थैले में ही है। दिखाओ जरा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी रोजी रोटी है साहब। अरे हमें उसका भजिया नहीं तलना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर क्या है। इधर दो। खिलौने का बॉक्स है सर, एड्रेस भी लिखा हुआ है। ओ, तो ये है खूनी। बहुत खेल खेल लिए, अब ये तुम्हारा खेल खेलना खत्म। मैंने आगे रास्ता बंद है। मैंने कुछ नहीं किया। अब ये बता, शोभा को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। शोभा एक झगड़ालू औरत थी, झगड़ालू औरत, हमेशा गालियां देती थी साहब, हर छोटी मोटी बात पे चिल्लाती थी, भद्दी भद्दी गालियां देती थी। आतंक था साहब उसका एक, हम सबको मेंटली टॉर्चर दे रही थी साहब, लेकिन फिर भी हम सब ने सहा, हर बात को सहा साहब। जब तक ये बात घर के चार दीवारी तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये बात साहब घर के चार दीवारी से बाहर निकल के मोहल्ले तक फैल गया। आए दिन लोग पड़ोसी हमारे पास आते थे कंप्लेन लेकर के, शोभा ने किसी के साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, तंग आ चुके थे साहब हम लोग, तंग आ चुके थे। फिर भी हमने शोभा को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझती थी, नहीं समझती थी साहब। हमने तो थक के छोड़ दिया था ये सोचना कि उसे समझाना रोकना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है साहब। बस सिर्फ इसी वजह से तुम लोगों ने उसकी जान ले ली? तो और क्या करता, और क्या करता साहब, बताइए आप मुझे। सोसाइटी वालों ने उसे तंग आकर के हमें नोटिस दिया घर खाली करने के लिए, अगर हम घर खाली नहीं करते इस सूरत में वो हमें पुलिस की धमकी दी। अगर ऐसा था तो डिवोर्स दे देते उसे, उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसकी भी कोशिश की थी साहब मैंने, की थी मैंने, मगर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो वो मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाएगी, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाकर वो मेरे ऊपर केस करने वाली थी साहब। मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया साहब। रितेश, शोभा तो तुम्हारी माँ थी ना? सर, माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यार होता है सर, पर वो तो सिर्फ अपने आप से प्यार करती थी सर, उसकी जरूरतें, उसका घमंड सिर्फ उसके लिए ही था सर। इस वजह से जब उसे मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड वानी के बारे में पता चला तो उसने इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर, और इसीलिए जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसे ही मौत की नींद सुला दी तुमने सिर्फ अपने खुशियों के लिए। एक दिन रितेश मेरे पास आया एक सुझाव लेकर, उसने कहा कि पापा अगर हमारी जिंदगी में शांति और चैन चाहिए तो शोभा की जिंदगी खत्म करनी होगी।
और इसके लिए तुमने अपने पड़ोसी किशोर और नवीन की मदद ली जो शोभा के दुश्मन थे उसके बर्ताव की वजह से। हा? सिर्फ इनको ही नहीं दया, इन्होंने बाकी सारे लोगों से भी कांटेक्ट किया जिनका कोई ना कोई झगड़ा था शोभा के साथ, उन सबको अपने प्लान में शामिल कर लिया, शोभा को मारने के प्लान में। शीला के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? काव्या ने मुझे बताया, उसने शीला और शोभा के झगड़े के बारे में, क्योंकि काव्या शोभा के साथ ही स्टोर में गई थी। तुम्हारे इस प्लान को अंजाम देने के लिए कोई बाहर वाला चाहिए था, और ये शीला इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थी, और इसे शोभा से बदला लेना था इसलिए ये भी मान गई। वैसे सारी प्लानिंग की कैसे तुम लोगों ने, बताओ जरा? नवीन ने ऑनलाइन पर ट्रॉली बुक की थी, डिलीवरी होने के बाद वो ट्रॉली और रिमोट वाणी को दिया था। वाणी पैसे से इंजीनियर है साहब, वो ट्रॉली और गमले को किस तरह से रखना है इसकी प्लानिंग उसने की थी, और फिर वो ट्रॉली और रिमोट लाके किशोर को दे दिया, और फिर काव्या और रितेश ने मिलकर वो गमले और ट्रॉली को ऊपर बैल्कनी में सेट कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये शोभा बालकनी में किस वक्त आने वाली, कितने बजे? साहब हर रोज सुबह 10 बजे एक भाजी वाला ठेला लेकर के हमारे बिल्डिंग के नीचे आता है, और शोभा उस पर बैल्कनी में खड़े होकर के खड़ी खोटी सुनाती थी साहब, चिल्लाती थी, झगड़ती थी उससे। बस मुझे उसी मौके का इंतजार था। और फिर मैंने मां को फोन किया, कभी एक बार भी नहीं सोचा कि शोभा के ऐसे स्वभाव के पीछे कोई वजह हो, कोई कारण हो सकता है उसे कोई दिमागी बीमारी हो जिसका इलाज हो सके, नहीं सोचा। तुम सबने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, तंग आ गए उसके स्वभाव से, इलाज नहीं किया उसका, बस जान ले ली उसकी। कानून तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।